शून्यता एक ऐसी स्थिति है जहां हर रूप, आप कोई भी रूप के बारे में सोचे, वो रूप शून्य है। हर एक रूप शून्यता से भरा हुआ है और शून्यता हर रूप में समाया हुआ है। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि शून्य स्थिति में सब कुछ है। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर स्वागत है। आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित 1000 सीड्स ऑफ जॉय इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं दोस्तों। तो हम पवित्र त्रिमूर्ति इस अध्याय से गुजर रहे हैं और पिछले एपिसोड में हमने माँ से विस्तार पूर्वक ये सुना था कि किस प्रकार हमारे कॉन्शियस माइंड को हमारे देह के आगे समर्पण करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड की दुनिया का प्रवेश द्वार हम खोज पाते हैं। तो माँ ने हमें तरीके भी बताए थे कि किस तरह हमारे कॉन्शियस माइंड को, हमारे मन को इस शरीर के आगे समर्पण कर सकते हैं, और उसमें से एक तरीका हमारा बहुत जाना पहचाना हुआ तरीका है दोस्तों, अपने श्वास के साथ रहना, आनापानसति ध्यान। ये बात हमने पिछले सप्ताह आपस में हमने इसका विवरण पूर्वक जिक्र किया था। तो आगे बढ़ते हुए माँ ये कहती हैं कि जब हम अपने कॉन्शियस माइंड को देह के आगे समर्पण करते हैं तो ये हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड है, उस अनकॉन्शियस माइंड में जो अहम है उसको हमारे देह में घोल देता है। अहम को देह में घोलने का मतलब ये है दोस्तों कि अहम मिट जाता है। तो ये जो हमारा अहम है ये हमारे मन के हर स्तर पर मौजूद है, चाहे वो कॉन्शियस माइंड हो, चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड हो, चाहे वो अनकॉन्शियस माइंड हो। तो हमारे श्वास के साथ रहते रहते हुए या फिर किसी भी योगा योग तरीके से या फिर किसी तंत्र मंत्र के द्वारा कोई भी पद्धति हो जो हमारे मन को शरीर के आगे समर्पण करने में सहायक हो, उसके द्वारा हमारे मन के अहम को हमारे शरीर में लुप्त किया जा सकता है या डिसॉल्व किया जा सकता है। ये कहते हुए माँ ये कहती हैं कि यही मार्ग पार्वती माँ ने भी अपनाया था, और ये मार्ग जो पार्वती माँ ने अपनाया था अपने कॉन्शियस माइंड को शरीर के आगे समर्पण करके, अपने मन में जितना कुछ अहम है उसका उसको संपूर्ण रूप से मिटा देना, ये ही पार्वती माँ का मार्ग था। तो दोस्तों आप सब जानते ही होंगे कि ये जो किताब है जिसका हम विवरण पूर्वक यहाँ पर विवेक बांट रहे हैं वो इस श्रृंखला में पहली किताब है, और इस किताब में माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी हमारे साथ संवाद करती हैं। पर अगला किताब जो आनंद कर्णेश जी बाहर लेके आ रहे हैं वो पार्वती माँ के साथ उनका संवाद है। तो उसमें हम ये जानेंगे कि हमारे मन को शरीर के आगे किस तरह समर्पण किया जा सकता है, क्योंकि यही पार्वती माँ का भी मार्ग था। तो जब माँ ने ये कहा तो आनंद कर्णेश जी माँ से ये पूछते हैं, ये तो हमारा सौभाग्य होगा माँ कि हमें पार्वती माँ से उनके द्वारा अपनाया हुआ मार्ग उनके ही शब्दों में सुनने को मिलेगा, ये बताने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरा एक और प्रश्न है माँ कि जब मन शरीर के आगे समर्पण कर लेता है और हमारे शरीर में घुल जाता है, ये घुलने की बात हमने पिछले सप्ताह भी की थी दोस्तों, या शरीर में घुलना या शरीर में एक हो जाता है, तब हमारा मन क्या खाली हो जाता है माँ? दोस्तों जब हम ध्यान करते हैं तो हम सब यही सोचते हैं कि ध्यान के द्वारा
हम अपने मन को खाली कर सकते हैं, किन चीज़ों से खाली कर सकते हैं दोस्तों? एक बार फिर याद रखें कि हमारा मन अपने में क्या समाये हुए है। मन में सोचे हैं, भावनाएं हैं, यादें हैं, अहम है। तो अगर मन को खाली करना होगा तो इन सब चीज़ों से खाली करना होगा। तो आनंद करने जी का ये प्रश्न है कि समर्पण के द्वारा क्या मन को खाली किया जा सकता है? तो माँ कहती हैं, बेटा सिर्फ मन को खाली करना ही नहीं, बहुत ही सुंदर रूप से इसका विवरण है कि मन को खाली करना तो एक बहुत छोटी बात है, पर होता यह है कि हमारा मन उस शून्यता से एक हो जाता है जब हम अपने मन को शरीर के आगे समर्पण करते हैं। तो मन खाली ही नहीं होता, मन उस अनंत शून्यता से एक हो जाता है, उसमें मिल जाता है, उसमें उसका एक भाग हो जाता है, शून्यता का एक भाग हो जाता है। तो शून्यता का एक भाग होने का क्या मतलब है दोस्तों? हम सब जानते हैं कि शून्यता आत्मानुभूतियों से कई गुना बड़ा है, आत्मानुभूति देहानुभूतियों से कई गुना बड़े है, देहानुभूति मन से कई गुना बड़ा है। तो जब मन शून्यता में मिलता है तो मन शून्यता का एक छोटा सा कण है तो उसमें समा जाता है, उसमें अंकित हो जाता है। और माँ कहती है कि जब ये प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया दोस्तों? भूलिए नहीं, हम जिस बात को याद कर रहे हैं, समर्पण। इस समर्पण का प्रक्रिया, जब ये समर्पण के प्रक्रिया से हम गुजरते हैं तब हमारा मन, शरीर और आत्मा उस शून्यता से एकत्व में मिल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि अगर मन को शरीर के आगे समर्पण कर ले तो हमें ये बात तो समझ में आ जाती है कि ठीक है, मन है, इसमें काफ़ी सोचे हैं, पर हमने समर्पण के भाव से जब अपने मन को आगे लेकर हम गए तो जितना भी कुछ हमारे मन में था वो खाली हो गया, हमारे देहानुभूतियों में मिल गया। तो ठीक है, हम ये समझते हैं कि मन तो खाली हो गया, मन खाली हो गया, शून्य मन है, तो ठीक है, शून्यता पर मिलना बहुत आसान है। पर ये क्या कि मन का शून्य होने से मन अकेला नहीं, मन के साथ तन और आत्मा भी शून्यता से एकत्व में मिल जाना, ये कैसा हो सकता है? ये इसीलिए होता है दोस्तों क्योंकि हमारा ये जो मन है वो हमारे तन को, हमारी आत्मा को शून्यता से हमेशा अलग रखता है, या हमारे शरीर को उस शून्यता और आत्मा के भावों से हमेशा परे रखता है, एक दीवार की तरह हमारा मन खड़ा रहता है इसके बीच में। जब मन का दीवार ही शून्य हो गया तो वहाँ दीवार ही नहीं रही, तो वहाँ मन और हमारे तन आत्मा को विभजन करने वाला कोई भी, ऐसा कोई दीवार वहाँ प्रस्तुत नहीं है दोस्तों। जब मन ही नहीं रहा तो तन आत्मा को वापस शून्यता में एकत्व में मिल जाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। तो ये बात हमें ज्ञात रहे कि आज हमें एकत्व का भाव इसलिए नहीं महसूस होता क्योंकि हमारा मन एक दीवार की तरह हमारे तन और आत्मा के बीच में खड़ा है। जब ये दीवार गिर जाती है, और ये दीवार तभी गिरती है जब उस वो शून्य हो जाता है, उसमें कुछ है ही नहीं, जिसमें कोई अस्तित्व ही नहीं है तो वो खड़ा कैसे रह सकता है? तो जब मन ही नहीं रहा तो वो विभजन भी नहीं रहा और हमारा तन उस आत्मा में मिल जाता है और हमारी आत्मा उस शून्यता से एक हो जाती है। और हम ये पहले ही हमें ज्ञात है कि जब मन समर्पण करता है तो वो शून्यता से एक हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ मन ही एक नहीं होता, मन के साथ हमारा तन और हमारी आत्मा भी उस शून्यता से एक हो जाती है दोस्तों। तो इतना अद्भुत वर्णन है क्योंकि एक एक करके माँ हमें धीरे धीरे उस शून्यता से हमारा क्या संबंध है
इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप माँ हमें बता रही है। दोस्तों, कई एपिसोड्स के पहले हमने ये इसका जिक्र किया था कि हम अपने अंदर की दिव्यता को क्यों नहीं महसूस कर पा रहे हैं। अगर हम आत्म पदार्थ हैं, अगर हम ये भौतिक विश्व से भी परे हैं और जन्म मृत्यु से हमारा कोई संबंध नहीं है क्योंकि हम आत्मा का रूप है और आत्मा नश्वर है, तो हम अपने आत्मा की दिव्यता, अपने आत्मा की भव्यता को क्यों महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपको याद है तो हमने बाद में ये भी कहा था कि हमारे तन और आत्मा के बीच में मन एक दीवार के रूप में खड़ा हुआ है। जब हम मन को ही समर्पण कर देते हैं तो ये सारी चीजें मन से बाहर निकलकर इस मन की दीवार को नीचे गिरा देती हैं। दोस्तों, कितना अद्भुत विवरण है। देखिए, आज अगर हमारे जीवन में कोई भी दुख है, अगर आज हमारा जीवन हमें बहुत ही निस्सहाय या दुस्सहाय महसूस हो रहा है, तो ये हमारे मन का ही काम है। ये हमारा मन ही है जो हमें एक बार एक पल खुशी दिखाता है और दूसरा पल हमें दुखी कर देता है। तो अगर हम ये मन के नाटक से परे जा सकते हैं तो हम हमेशा एकत्व के ब्रह्मानंद का महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए मन के दीवार के बारे में इतना विस्तार पूर्वक माँ हमें बता रही है कि ये जो मन के दीवार का ये जो नाटक है, इस भ्रम को गिराने में हमें हमारा श्वास बहुत सहायक है या बहुत सहायता करता है। तो जो इसके बाद हमें माँ जिसका विवरण देती है, दोस्तों ये बहुत ही मुख्य है और से हमें गांठ बांध लेनी चाहिए कि शून्यता क्या है। शून्यता एक ऐसी स्थिति है जहां पर मन का कोई पात्र ही नहीं, उसका कोई रोल ही नहीं, जहां मन शून्य हो जाता है। शून्यता एक ऐसी स्थिति है जहां कोई मन नहीं होता, अर्थात शून्यता एक ऐसी स्थिति है जहां मन समर्पण कर देता है, उसके कारण हमारा मन, तन और आत्मा शून्यता से एकत्व में मिल जाता है। तुलना करते हुए एक बार समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एक हाथ में शून्यता है, एम्प्टीनेस है, तो दूसरे हाथ में सफरिंग है, दुख है। ये शून्यता मन से परे जाने से होता है और ये यातना मन में रहकर जिंदगी व्यतीत करने से होता है। जहां पर शून्यता है, जहां मन नहीं है, वहां आपकी तन और आत्मा शून्यता से एक हो जाती है। जहां यातना की स्थिति है, जो मन से पूर्ण है, वहां पर आपका मन आपके शरीर और आत्मा को डिवाइड कर देता है, विभाजित कर देता है। तो माँ ने देखिए दोनों स्थितियों की तुलना इतने अद्भुत रूप से की है। दोस्तों, माँ कहती है शून्यता एक ऐसी स्थिति है जहां हर रूप, आप कोई भी रूप के बारे में सोचे, वो रूप शून्य है। हर एक रूप शून्यता से भरा हुआ है और शून्यता हर रूप में समाया हुआ है। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि शून्य स्थिति में सब कुछ है। कुछ भी चीज ले लीजिए दोस्तों, अगर आप अपने आप को लेते हो तो आप भी शून्य का ही एक भाग हो। तो शून्यता साकार है और शून्यता निराकार भी है। ये साकार और निराकार का ये जो दोनों रूप है वो शून्यता में ही समाया हुआ है। तो फिर यातना क्या है? यातना वो स्थिति है जो हर एक चीज से शून्यता को छुपाए रखी हुई है। आप कुछ भी ले लीजिए, आप अपने आप को ले लीजिए, देह रूप को, ये देह रूप शून्यता से परे, शून्यता से अलग है। शून्यता इस देह रूप से जब तक छुपी रहती है तब तक यातना है। और जब ये रूप शून्यता में एक भाग हो जाता है तो यही यातना ब्रह्मानंद बन जाता है। दोस्तों, ये तुलना हमें अच्छी तरह से समझनी होगी दोस्तों, क्योंकि
ये जो माँ एम्प्टीनेस और सफरिंग की जो दो स्थिति है, ये जो हमें माँ समझाने की कोशिश कर रही है, इसे हमें संपूर्ण रूप से समझना होगा दोस्तों, कि शून्यता क्या है, जहाँ कोई मन नहीं है, मन ने अपने आप को समर्पण कर दिया है और उसके कारण सब कुछ एकत्व में शून्यता से जुड़े हुए हैं, जहाँ हर आकार में शून्यता है, हर शून्यता में आकार समाया हुआ है, और दूसरी तरफ यातना है, जहां मन प्रचंड रूप से तांडव कर रहा है, हमारे तन और आत्मा को विभाजित किया हुआ है, जहां हर एक चीज से शून्यता छुपी हुई है, और एकत्व की का ये जो एहसास है वो यातना की स्थिति में कभी भी महसूस नहीं हो पाता दोस्तों। तो जब माँ ने ये जो दोनों तुलना दी है, एम्प्टीनेस और सफरिंग की तुलना, ये सुनने के बाद आनंद कर्णेश जी की ये कहते हैं कि माँ, जब हम शून्यता के स्थिति को उसके बारे में हम सोचते हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या मन कहीं नहीं रहता? क्योंकि आपने कहा कि शून्य स्थिति में आप मन से परे चले जाते हो, तो इसका मतलब यह है कि मन समाप्त हो गया है। तो माँ कहती है कि मन कुछ नहीं है बेटा, मन जो है वो सोचो और मनोभावना और अहम और यादों का एक कटघरा है। अगर वो चीजें नहीं रही तो मन ही नहीं रहेगा। तो मन की जितनी भी चीजें हैं वो देहानुभूतियों में मिल जाती है। ऐसी स्थिति में, कैसी स्थिति में? शून्यता की स्थिति में मन के सारे चीजें, मन के जितने भी कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स मतलब जिसके भी द्वारा मन बना हुआ है, वो सारी चीजें देहानुभूतियों में, देहानुभूतियों का मतलब एक बार फिर याद रख लीजिए दोस्तों, देह जो भी अनुभूति प्राप्त करता है पंचेंद्रियों के द्वारा, ये हमारे सारे मन के ये जो अवस्थाएं हैं, जब वो देहानुभूतियों में मिल जाते हैं, हमारे आत्मानुभूतियों में मिल जाते हैं, जब हमारे शून्यता में मिल जाते हैं, तब वहां मन नहीं रहता। पर जब भी चाहो तो मन को दोबारा प्राप्त कर सकते हो, और जब चाहो मन को देहानुभूतियों में, आत्मानुभूतियों में और इस शून्यता की स्थिति में घोल सकते हो। तो मन को इस प्रकार, मन का उपयोग इस प्रकार करो कि जब भी चाहो मन को जगा सको, और जब उसकी आवश्यकता नहीं रहे तो उसके परे जा सको, या उसे इन त्रिमूर्तियों में, कौन सी त्रिमूर्तियां? देहानुभूति, आत्मानुभूति और शून्यता की त्रिमूर्तियों में उसका संगम कर पाओ। ये कहते हुए माँ कहती हैं कि जो दिव्य आत्माएं होती हैं, जब उन्हें मन की जरूरत नहीं रहती, जहां पे सोच विचार करने की जरूरत नहीं रहती, वो युगों युगों तक बिना मन का उपयोग किए शांति में समाये रहते हैं, बिना कोई सोच के शांति में, एकत्व में आनंद लेते रहते हैं दिव्य आत्मा, डिवाइन बीइंग्स। एक दिन के लिए नहीं, दो दिन के लिए नहीं, सदियों तक, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि अगर एक सोच वो उत्पन्न करते हैं तो वो सोच मैनिफेस्ट होगा, वो क्रिएशन में आएगा। तो जो भी कुछ क्रिएट करना है वो बड़ा सोच समझ कर करते हैं, मन को किस प्रकार उसका उपयोग करना है दिव्य आत्माएं भली भांति जानती हैं। इसलिए हमारी तरह हर रोज हजारों सोचे बेमतलब के, बेफिजूल के मन को बिजी नहीं रखते, मन को व्यस्त नहीं रखते, क्योंकि वो समझ सकते हैं कि मन जो है उसका उपयोग बड़े केयरफुली करना है। तो ये जो दिव्य आत्माएं हैं दोस्तों, जब इस ब्रह्मांड का विस्तार करना होता है, कोई नई सृष्टि
करनी होती है तभी वो मन का उपयोग करते हैं। तो जब सृष्टि करना है, जब सृष्टि करने का समय आ जाता है, तब ये मन का प्रयोग करके दिव्यात्माएं एक सोच इस सृष्टि में बाहर लेके आते हैं। और ये सोच जब वो लेके आते हैं, इसके पीछे इतनी ऊर्जा रहती है, इतनी शक्ति रहती है, इतना इंटेलिजेंस होता है दोस्तों, कि इसे मैनिफेस्ट करते ज्यादा देर नहीं लगती। इनकी सोचें शून्यता से ब्रह्मांड का उत्पन्न करती हैं। तो अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब आप मन पर काबू रखते हो, जब आप अपने सोच विचारों पर काबू रखते हो, तब आपका एक सोच भी कितना पावरफुल होता है। ये दिव्य आत्माओं के जीवन विधान से हमें सीखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, विष्णु जी को हम हमेशा योग निद्रा में पाते हैं। जब हम विष्णु जी का चित्र देखते हैं तो देखते हैं कि वो शेषनाग पर योग निद्रा में, हमेशा हमें योग निद्रा में दिखते हैं। योग निद्रा का मतलब क्या है दोस्तों? योग निद्रा का मतलब ये नहीं कि विष्णु जी हमेशा सोते रहते हैं। भौतिक रूप से सोने का मतलब योग निद्रा नहीं है। योग निद्रा का मतलब ये है कि उन्होंने अपने मन को शून्य कर दिया है, और ऐसी योग निद्रा सदियों तक चलती है। मतलब जब भी आप विष्णु जी को योग निद्रा में पाते हैं, योग निद्रा में चित्र में देखते हैं, तो ये समझिए कि वहां पर मन उन्होंने शून्य कर दिया है। शून्य मन की स्थिति को ही योग निद्रा कहते हैं दोस्तों। और ऐसे दिव्य आत्माएं अपने मन का प्रयोग तभी करते हैं जब एक सृष्टि करने का समय आसन्न हो जाता है। एक सोच से सृष्टि, एक सोच से ब्रह्मांड की सृष्टि। हाँ दोस्तों, जब हम अपने मन को फिजूल में उपयोग करना बंद कर देते हैं, तब हमारे हर सोच का ये जो ऊर्जा होता है, उसका जो पावर होता है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है दोस्तों। तो ये जो बातें हमने आज जानी कि मन को बेफिजूल, क्योंकि आपको करने के लिए कुछ नहीं है तो बैठ के सोचते हैं कि हमें घर कैसे बनाना है, कि हमें कल ऑफिस में जाकर क्या करना होगा। कोई योजना बनानी है दोस्तों, कोई मुख्य काम है, तो मन को जरूर प्रयोग कीजिएगा। पर इसलिए नहीं मन का उपयोग कीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, आप बोर हो रहे हैं। दिव्यात्माएं कभी बोर नहीं होती। जब आप मन को खाली कर लेते हो, आपका तन और आपकी आत्मा जब शून्यता से एकत्व में मिल जाते हैं, तो वहां पर सिर्फ ब्रह्मानंद ही होता है दोस्तों, बोर्डम नहीं होता। तो इसीलिए हम सब ये याद रखें कि मन को वहां ही प्रयोग करें जहां उसकी आवश्यकता हो। तो ये सुनकर आनंद कर्णेश जी बड़े ही आश्चर्यचकित होकर, हम सबकी तरह, हम भी कितने आश्चर्यचकित हैं ये सुनकर कि दिव्य आत्माएं एक सोच से ब्रह्मांड की सृष्टि कर देती हैं, एक विश्व की सृष्टि कर सकती हैं। तो आनंद कर्णेश जी बड़े आश्चर्यचकित होकर माँ से यही पूछ रहे हैं कि माँ, एक सोच से एक विश्व की सृष्टि कैसे की जा सकती है? क्या ये संभव है? तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहां समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम माँ के मुख से ये सुनेंगे कि एक सोच से एक नए विश्व, एक नए ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे की जा सकती है। अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद।